यूएस फेड पॉलिसी की स्टेटमेंट जो निकल कर आई उसके बाद हम देख रहे हैं विदेशी बाजार पर सीधे तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। पॉलिसी स्टेटमेंट में बहुत कुछ कहा गया है, इसे कैसे समझा जाए? जी देखिए, तीन चीजें जो मार्केट को कल सरप्राइज करी। एक तो जो ग्रोथ 7% इस साल की, तो पहले उम्मीद से ज्यादा, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन ज्यादा का अनुमान रहा। बट जो दो अनप्लेजेंट चीजें निकल के आई, एक तो ये डॉट प्लॉट बनाते हैं, तो 18 के 18 वोटिंग मेंबर्स जो हैं उन्होंने कहा कि 2023 में हमें इंटरेस्ट रेट हाइक दिखती है। पिछली बारी जब मार्च में ये डॉट प्लॉट बनाया गया था, तब 11 ने बोला था 2024 और 7 ने बोला था 2023 में। इस बारी उल्टा हो गया कि 13 ने कहा कि 2023 में हमें दिखता है एक या दो रेट हाइक्स। तो इससे मार्केट को बहुत एक झटका लगा। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पावल ने काफी अच्छी तरह से समझाया कि ये डॉट प्लॉट हमारा प्लान नहीं है, 18 लोगों की निजी राय है जो हम प्लॉट करके देते हैं। तो इससे आप ये मत सोचिए कि तय है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, हो सकता है बढ़े, हो सकता है ना बढ़े। दूसरी बात जो मार्केट को फिर अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा कि जो पहले ये कह रहे थे कि अभी हम थिंकिंग ऑफ टेपर नहीं कर रहे, सोच भी नहीं रहे सोचने के बारे में रेट बढ़ाने के या बॉन्ड जो हम खरीदते हैं उसको घटाने के, बोले वो हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस बारी हमारी बातचीत हुई, अगली मीटिंग में बातचीत शुरू हो जाएगी ये बॉन्ड घटाने की। बट उसके साथ भी उन्होंने एक सांत्वना दी मार्केट्स को कि हम बहुत पहले आपको बताएंगे, बहुत मेजर्ड रहेगा, बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगा और आपको काफी पहले से हम बताते रहेंगे जब टेपर होगा। अभी हमें नहीं दिख रहा, सब्सटैंशियल प्रोग्रेस हमें करना है अभी इकोनॉमी पे। तो उन्होंने अपनी तरफ से काफी हौसला अफजाई की मार्केट्स की, जिससे मार्केट्स थोड़े बहुत रिकवर भी हुए। बट फिर बंद होते होते हमने देखा एक और बिकवारी आई। तो हमें इसी तरह देखना है कि जो बहुत अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी थी वो थोड़ी सी खिंचने लग जाएगी जनवरी तक, और फिर एक साल बाद इंटरेस्ट रेट एक बार ही हाइक हो सकता है। इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है मार्केट में, क्योंकि 1% से कम आपने देखा, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे मार्केट से। बट इसका ज्यादा हमें लंबा इस पे इम्पैक्ट नहीं दिखता है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे मेजर्ड रहेगा, एकदम से नहीं आएगा।